हेलो फ्रेंड एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों को हो दिख रहा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की और स्टैटिक्स में अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास तक कर लिया है सॉरी माध्यिका को इसको हम लोगों ने ये टॉपिक जो है इसको हम लोगों ने कर लिया है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है अब हम लोगों ने ऊपर एक हाईलाइट किया था समांतर माध्य जिसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं मीन की क्लास मैंने बनाई हुई है और उसके बाद हमने माध्यिका की क्लास भी बनाई हुई हैं और आज हम लोग बात करेंगे बहुलक की बात करेंगे इन तीन टॉपिक के बाद हम लोग हर माद, हरात्मक हरात्मकवाद और विभाजन मूल्य की भी बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग अगर बात करें तो ये टॉपिक जो है हम लोगों का है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मतलब कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये टॉपिक रहने वाला है ये वाला टॉपिक जो है इसको हम लोग देख लेते हैं ये जो, जो है केंद्रीय प्रवृत्ति ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा है और इसी में मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति है ये हम लोगों का बड़ा टॉपिक रहने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली हुई है माध्यिका की और हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुलक की ठीक है तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का बहुलक अब बहुलक में बात आती है कि बहुलक जो होता है बहुलक को अन्य किस नाम से जानते हैं तो बहुलक को हम लोग बोइस्टिक भी बोलते हैं हिंदी में बात आती है बोइस्टिक और इंग्लिश में हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोड और अगर इसे इंडिकेट करने की बात आती है तो इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं जेड से क्योंकि बहुलक को जेड से इंडिकेट करते हैं मीडियन को एम से इंडिकेट करते हैं और जो मीन है उसको अलग इंडिकेट करते हैं अब बात आती है कि बहुलक को हम लोग निकालते कैसे हैं और बहुलक में कौन कौन सी विधि होती हैं घनात्मक घनात्मक विधि क्या होती है और भी बहुत सी बारी बहुत से एनुमेरिकल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं बहुलक से कि इसमें बहुलक निकालिए तो हम लोग उन पर भी बात करने वाले हैं मैंने अभी आप लोगों को पिछली क्लास में ये सारा का सौरा टॉपिक कराया हुआ है कि सीरीजें कितने प्रकार की होती हैं और भी बातें की हुई हैं कि माध्य कितने प्रकार के होते हैं अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो पहले पुरानी है जो हैं उनको ज़रूर आप लोग देखिए ये टॉपिक जो सारे सारे हैं ये मैंने पूरे कराए हुए हैं और न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाके अब हम लोग बात करेंगे बहुलक की तो बहुलक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोइस्टिक या फिर मोड भी बोलते हैं तो अगर बात आती है कि जैसे मान लो कि को कोई डाटा दिया है ठीक है अगर आप लोगों को समंक मान लो मतलब कि डाटा को बोलते हैं हम लोग डाटा को इंग्लिश में बोलते हैं डाटा और अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं समंक अब मान लो कोई हम लोगों को डाटा दिया है जैसे कि मान लो ये डाटा दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं कहीं पर जैसे मान लो ये डाटा है पंद्रह बीस विद्यार्थी है ठीक है अब बीस विद्यार्थी हैं उनकी हमें लोगों को उम्र दी हुई है मतलब कि उनकी एज दी हुई है तो वो एक साल एक जो विद्यार्थी है वो पंद्रह साल का है दूसरा विद्यार्थी सत्रह साल का इसी प्रकार से आगे के जो ईयर हैं उनके लिखे हुए हैं अठारह बीस बाईस चौबीस इक्कीस सत्रह सोलह पंद्रह इक्कीस बाईस तेईस फिर से बाईस सत्रह बाईस अठारह बाईस उन्नीस और लास्ट में है बीस हम लोग ये जो है ये डाटा जो दिया है वो 20 छात्रों का दिया हुआ है तो उनकी एज दी हुई है तो एक मतलब कि इसी प्रकार से सारी की सारी विद्यार्थियों की एज हम लोग गिन लेते हैं कि ये 20 विद्यार्थी हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टी नाइन्टीन ट्वेंटी मतलब कि ये बीस छात्र हैं इनकी हमें उम्र दी हुई है ये उम्र दी हुई है उनकी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग हमसे पूछा गया है कि इनके हमें बहुलक निकालना है बहुलक ज्ञात कीजिए ठीक है बहुलक को बोलते हैं स्टेक या फिर मोड भी बोलते हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए तो हम लोग इनमें क्या करेंगे तो देखिए इन नंबरों में सबसे पहले आपको इतना देखना है कि कोई डाटा हो उसमें जिसकी नंबर की आवृत्ति मतलब कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई हो वही हम लोगों का बहुलक हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिए कि इसमें इन नंबरों में जैसे 20 छात्रों में सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया है तो देखिए कि हम लोगों का एक सत्रह देखिए एक बार दूसरा पेन कर लेते हैं एक सेकेंड सत्रह देख देखिए एक बार है यहाँ पे है दो बार और यहाँ पे ये यह है तीन बार तो मतलब कि सत्रह जो है वो कितने बार आया है तो आप लोग कहेंगे तीन बार आया है इसी प्रकार से देखिए कि बाईस देखिए वन एक बार हो गया उसके बाद दो तीन चार मतलब कि जो बाईस है वो बाईस जो है वो चार बार आया है बाईस जो है वो चार बार आया है या पांच बार आया है तो देखिए हम लोग ये दोबारा दोबारा से देख लेते हैं एक बार और दो बार तीन बार चार बार सॉरी पांच बार आया है बाईस एक बार और आया है तो बाईस जो है वो पांच बार आया है तो हम लोगों का जो बहुलक हो जाएगा वो जिस आ, जिस नंबर की आवृत्ति आवृत्ति का बोल मतलब होता है फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा हो वही उसका बहुलक हो जाता है तो 22 की जो आवृत्ति है 22 कितने बार आया है आप लोग कहेंगे पांच बार 17 कितने बार आया तीन बार तो कौन सा नंबर बार बार आया है तो आप लोग कहेंगे 22 तो 22 जो है इसी का इस नंबर का बहुलक हो जाएगा मोड इक्वल टू हो जाएगा मोड बराबर हो जाएगा ट्वेंटी टू तो इसी प्रकार से हम लोग बहुलक को निकाल सकते हैं बहुलक को ज्ञात करने की विधियाँ पूछी जाती हैं तो विधियाँ जो होती हैं उनकी बात करेंगे हम लोग तो विधियाँ जो होती हैं ये एक विधि होती है हम लोगों की विधि की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं विधि कि बहुलक को ज्ञात करने की विधियाँ बहुलक को बहुलक को ज्ञात करने की ज्ञात करने की ज्ञात करने की विधियाँ अब बहुलकों को ज्ञात करने की विधियाँ जो होती हैं वो एक विधि होती है हम लोगों की सीरीजें जो होती हैं वो होती हैं व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी में तीन विधियाँ होती हैं कौन कौन सी विधि होती है तो एक होती है हम लोगों की निरीक्षण विधि कौन सी विधि होती है तो एक होती है हम लोगों की निरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड इसे क्या बोलते हैं बाई इंस्पेक्शन ठीक है इंस्पेक्शन दूसरी विधि होती है हम लोगों की तो वो होती है व्यक्तिगत श्रेणी को विचिन्न श्रेणी में बदलना ठीक है मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज़ में बदलना और तीसरी होती है माध्य का या समांतर माध्य के आधार पर तो ये तीन विधियाँ होती हैं तो एक होती है हम लोगों की निरीक्षण विधि तो एक होती है हम लोगों की व्यक्तिगत लिख लेते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी को विभिन्न श्रेणियों में बदलना एक होती है यह विधि और एक होती है हम लोगों की तीसरी नंबर की जो विधि होती है वो होती है हम लोगों की माध्यिका तथा समांतर माध्य के आधार पर माध्यिका तथा माध्यिका तथा समांतर माध्य के समांतर माध्य के समांतर माध्य के आधार पर तो ये तीन विधियां जो होती हैं पहली विधि जो अभी मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि निरीक्षण किया हुआ है इन नंबरों में मैंने क्या किया है कि ये जो नंबर है इनमें निरीक्षण किया हुआ है कि कौन सा नंबर कितने बार आया है जो जितने बार ज़्यादा बार आया है वही वह हम लोगों का मोड़ हो गया तो इसी प्रकार से बाइस जो है वो बाइस कितने बार आया है एक बार दो बार और तीन बार और चार बार और पाँच बार तो बाईस जो है वो पाँच बार आया है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाइस जो है बार बार नंबर आया हुआ है और सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया है तो आप लोग कहेंगे बाईस तो बाईस ही हम लोगों का बहुलक हो जाएगा अब बात आती है कि ये तो होगी हम लोगों की कौन सी विधि निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन के द्वारा और हम लोगों ने तीन विधियां की हुई हैं तो इनके भी हम लोग न्यूमेरिकल को आगे करेंगे अब बात आती है कि इनके क्वेश्चन की क्वेश्चन हम लोगों से पूछे कैसे जाएंगे एमसीक्यू में बहुलक के तो बहुलक के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम लोग पहले बाद में डिस्कस करेंगे थोड़े से दो दो और चार जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि हम लोगों से पूछा जाता है कि विधि जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न समंकों से बहुलक की गणना कीजिए बहुलक का मतलब होता है मोड मोड की हम लोगों को गणना करनी है तो इनकम सबसे पहले लिखी हुई है एक साइड में हम लोगों की ये जो सीरीज है ये हम लोगों की डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि ये दो भागों में बटी हुई है तो इसको हम लोग खंडित श्रेणी बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज बोल सकते हैं तो एक तरफ लिखी हुई है इनकम तो इनकम का बोलते मतलब इनको इनकम को बोलते हैं हम लोग आय तो एक तरफ आय लिखी हुई है तो 125 है 150 है 200, 250, 400 और 800 मतलब कि ये तो इनकम का क्राइटेरिया दिया है और नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दी हुई है छः सोलह बयालीस बारह आठ और चार हमसे पूछा गया है बहुलक बहुलक की गणना करनी है तो सबसे ज़्यादा देखिए कि 125 इनकम देखिए तो 125 वाले लोग कितने हैं तो 125 वाले लोग हैं छः तो जिस इनकम के लोग ज़्यादा होंगे वही हम लोगों का बहुलक हो जाएगा उसके बाद देखिए डेढ़ सौ वाले कितने लोग हैं तो डेढ़ सौ वाले लोग हैं सोलह ये भी बहुत कम है उसके बाद है दो सौ वाले लोग कितने हैं बयालीस इससे भी ज़्यादा कोई है तो अगर हो जाएगा नहीं तो हम लोगों का यही बहुलतक हो जाएगा क्योंकि 200 वाले लोग कितने हैं बयालीस और जो नंबर की आवृत्ति ज़्यादा होती है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं तो 200 की इनकम वाले लोग ज़्यादा होंगे तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा तो हम लोग आगे देखेंगे ढाई वाले लोग कितने हैं तो ढाई वाले लोग हैं बारह चार वाले लोग कितने हैं आठ हैं और आठ वाले लोग कितने हैं चार तो सबसे ज़्यादा नंबर वाले लोग कौन से हैं तो आप लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा नंबर वाले लोग हैं वो दो नंबर वाले लोग हैं जिनकी आय दो है वो नंबर वाले लोग ज़्यादा हैं उनके नंबर कितने हैं बयालीस तो हम लोगों का मोड जो है मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू हो जाएगा 200 तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हो गया हम लोगों का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखेंगे और भी क्वेश्चन हैं जो बहुलक में पूछे जाते हैं तो बहुलक में हम लोग तब एक जगह फंस जाएंगे जैसे मान लो कि यहाँ पर भी एक सेकेंड अब जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें तो इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने लिख दिया है कि डेढ़ सौ वाले लोग भी हम लोगों के कितने हैं मान लो कि डेढ़ सौ वाले लोग भी हम लोगों के कितने हैं वो भी हम लोगों के बयालीस लोग हैं तो अब हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी बहुलक निकालने में कि डेढ़ सौ वाले लोग भी बयालीस हैं और दो सौ वाले लोग भी बयालीस हैं क्योंकि डेढ़ सौ डेढ़ सौ के नंबर भी लोग बयालीस हैं जो डेढ़ सौ आए हैं उनके नंबर भी लोग उनके जो उनके जो लोग हैं वो भी बयालीस हैं और दो सौ वाले लोग भी ये बयालीस हैं तो अब हम लोगों को बहुलक निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी तो अब हम लोग लगाएंगे कौन सा मेथड घनत्व विधि लगाएंगे घनत्व विधि में क्या करते हैं कि हम लोग आपस में जैसे मान लो कि ये नंबर है हम लोग क्या करेंगे कि इनके नंबरों को हम लोग जोड़ेंगे ठीक है तो घनत्व विधि हम लोग कहाँ लगाते हैं तो वो विधि लगाते हैं हम लोग बहुलक में यूज़ होती है घनत्व विधि जो होती है उसको हम लोग समझेंगे आगे कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग उसकी घनत्व विधि को जैसे मान लो कि यहाँ पे है हम लोग क्वेश्चन को एक एक और क्वेश्चन करते हैं उसी में हम लोग घनत्व विधि को समझेंगे कि घनत्व विधि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग घनत्व विधि का क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे करें जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न सारणी से बहुलक की गणना कीजिए एक सारणी दी गई है उसमें हम लोगों को ये भी सीरीज है ये मान लो ये हम लोगों की जो सीरीज है वो है हम लोगों की खंडित सीरीज है ठीक है डिस्क्रीट सीरीज है तो हम लोगों को एक तरफ लिखी हुई है एक्स और एक तरफ लिखी हुई है एफ़ एफ को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्वेंसी और इसी को बोलते हैं आवृत्ति अब आवृत्ति की बात करते हैं हम लोग जैसे मान लो कि एक्स जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है मतलब कि कोई नंबर है एक एक नंबर है एक दो नंबर है एक तीन नंबर है एक चार नंबर एक पाँच नंबर एक छः एक सात एक आठ एक नौ अब एक नंबर की जो आवृत्ति हुई है वो हुई है तीन बार ठीक है और दो नंबर की आवृत्ति हुई है पाँच बार तीन नंबर की आवृत्ति हुई है दस बार जो नंबर की आवृत्ति मतलब कि जो नंबर जितने बार ज़्यादा बार आएगा वही हम लोगों का बहुलक हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कि तीन की आवृत्ति कितनी है तो आप लोगों ने कहा है तीन कितने बार आया है दस बार ठीक है चार कितने बार आया है छः बार और पाँच कितने बार आया है नौ बार और छः कितने बार आया है दस बार तो छः कितने बार हो गया हम लोगों का ये भी हम लोगों का दस बार हो गया सात कितने बार आया है आठ बार और नौ नौ आठ कितने बार आया है पाँच बार और नौ कितने बार आया है चार बार आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी और ये जो नंबर जितने बार ज़्यादा बार आता है उसी की आवृत्ति होती है ठीक है अब बात आती है कि हम लोग इन दोनों में से कौन से आंसर पे क्लिक करेंगे कि हम लोगों का मोड होगा दस होगा या फिर सॉरी तीन होगा या फिर छः होगा तो अब बात आती है कि जब ऐसे मैटर में हम लोग फंस जाते हैं तो तब हम लोग लगाते हैं घनत्व विधि और समूहीकरण विधि घनत्व विधि हम लोग कहाँ लगाते हैं तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक में हम लोग घनत्व विधि का प्रयोग करते हैं अब कैसे करेंगे हम लोग ज़्यादा ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस तीन वाले नंबर जो हैं तीन वाले नंबर को देखिए दस ठीक है तो ये जो नंबर है इसको हम लोगों ने देखा और हम लोग क्या क्या करेंगे कि इनके आगे पीछे के दो नंबरों को उठाएँगे Okay इसको उठाएंगे और इनको उठाएंगे अब हम लोग इस नंबर के आगे के नंबर को भी उठाएंगे और पीछे के नंबर को भी उठाएंगे और इसको भी साथ में देंगे इनका करेंगे इन तीनों नंबरों का करेंगे टोटल ठीक है तो आप लोगों ने कहा है कि चलो उठ करिए पांच प्लस दस और प्लस छः तो हम लोगों का टोटल कितना हो गया तो आप लोग कहेंगे कि इसका टोटल हो गया हम लोगों का ट्वेंटी अब हम लोग इनके भी नंबर की जो दस हैं इनके भी आगे पीछे के नंबरों को देखेंगे मतलब इनके अड़ोसी पड़ोसी को देखेंगे तो इनको भी करेंगे हम लोग टोटल तो हम लोगों ने इनका टोटल किया तो हम लोग इनको भी लिख लेते हैं नौ प्लस दस प्लस आठ तो हम लोग इनका टोटल जो करेंगे उसका टोटल होएगा हम लोगों का ट्वेंटी सेवन ठीक है तो इसमें देखिए ध्यान से कि कौन से नंबर के जो हैं ये वाला दस नंबर के जो आगे पीछे के दो नंबर हैं जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये वाला नंबर हो जाएगा तो जो दस नंबर है इसकी आवृत्ति कितनी है छः तो हम लोगों का आंसर जो है वो सिक्स हो जाएगा जब हम लोग दो केसों में ऐसे ही फंसेंगे तब ठीक है और नहीं फसते हैं तो हम लोगों को आगे पीछे के दो नंबरों को जरूर देखना है और उनको साथ में ऐड करना है जिनका ऐड ज़्यादा होगा उसी नंबर को हम लोग ऐ उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे उसी नंबर को सामने वाले को नंबर को मोड मान लेंगे तो आप लोगों ने इस प्रकार से मोड को निकाल सकते हैं और घनत विधि के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं अब हम लोग देखेंगे कि इनके एम कैसे पूछे गए हैं एग्ज़ामों में तो चलिए हम लोग एम की बात करते हैं और एम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो पहले एम में लिखा हुआ है कि बहुलक होता है बहुलक जो है वो क्या होता है बहुलक होता है मध्य मूल होता है सर्वाधिक मूल होता है मध्य सर्वाधिक मूल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है तो इनके राइट आंसर आप लोगों को बताने हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है तो इसके जो राइट आंसर की बात है तो हम लोग इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं थोड़े से गलत लिखे हुए हैं कि इसको बोलते हैं मध्य और इसको बोलते हैं सर्वाधिक बारंबारता मूल इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा स्किप हो गया है पार्ट तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता मूल तो इसका इस ऑप्शन की जगह पे यही होना था सर्वाधिक बारंबारता मूल तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉरी इसमें जो ऑप्शन है वो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन भी गलत हो गए हैं तो इनको हम लोग करेंगे सर्वाधिक बारंबारता मूल उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बहुलक की गणना हेतु वर्ग अंतराल सदैव होने चाहिए वर्ग अंतराल जो होने चाहिए क्लास इंटरवल जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए तो वो होने चाहिए समान होने चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुलक होता है बहुलक कैसा होता है प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो सबसे बड़ा प्रेक्षण होता है सबसे बड़ी आवृत्ति वाला या फिर इनमें से कोई नहीं तो जिस इसमें जो आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रेषण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि इसको हम लोग ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो ऑप्शन को जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माध्य बड़ा होता है माध्यिका से और माध्यिका बड़ी होती है बहुलक से सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि माध्य बड़ा होता है बहुलक से और बहुलक बड़ा होता है माध्यिका से ठीक है और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि माध्य छोटा होता है बहुलक से और बहुलक छोटा होता है, है माध्यिका से या फिर थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बहुलक छोटा होता है माध्यिका से इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं इस प्रकार से कि बहुलक छोटा होता है माध्य से और माध्य छोटा होता है माध्यिका से तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो संबंध है वो सही है तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का जो ई ऑप्शन लिखा हुआ है कि माद माद सबसे बड़ा होता है माद बड़ा होता है मादिका माद्या से और मादिका बड़ी होती है बहुलक से तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये एक न्यूमेरिकल है इसको हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच को कि कोई नंबर दिया हुआ है एक है सात नंबर एक है बारह एक है आठ एक है पाँच छः चार नौ दस आठ नौ सात नौ छः पाँच नौ बहुलक होगा मतलब इनमें से हमसे पूछा गया है कि बहुलक क्या होगा तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हम लोगों की इंडिविजुअल सीरीज है व्यक्तिगत सीरीज़ है तो इसमें हम लोग इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम लोगों को नौ जो है वो एक दो तीन और चार सबसे ज़्यादा बार आया है नौ नौ को हम लोग लिख देते हैं चार बार नौ को कितने बार लिख दिया हम लोगों ने चार बार और कोई नंबर देख लीजिए कि आठ को देख लीजिए एक और एक दो और बस आठ जो है वो दो बार आया हुआ है तो आठ कितने बार हो गया दो बार ऐसे ही छः देख लीजिए तो छः एक और एक दो तो ये भी नहीं होगा सात को देख लीजिए एक और एक दो तो सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया हुआ है तो नौ नंबर जो है वो चार बार आया हुआ है तो इसका जो आंसर होगा जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी तो जौन नंबर की आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसलिए तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का नौ नंबर नौ क्वेश्चन सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के समस्त पद सम्मिलित नहीं होते हैं तो किस किस जो है किस श्रेणी माध्य में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में केंद्र श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं तो वो ऑप्शन लिखा हुआ है समांतर माध्य में गुणोत्तर माध्य में माध्य में या फिर बहुलक में तो ये जो ऑप्शन है ये जो ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन एक ही हो गया तो इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे बहुलक तो बहुलक में जो है वो सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी हम लोग क्वेश्चन है जो है वो लिखा हुआ है कि घनत्व तो परीक्षण डेस्टी में टेस्ट का प्रयोग होता है घनत्व तो परीक्षण घनत्व तो विधि का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं समांतर माध्यम में करते हैं माध्यिका में करते हैं बहुलक में करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है कि हम लोगों ने अभी किया हुआ है तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुलक के क्वेश्चन को पढ़ा और भी क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को हम लोग साथ में लेकर आएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति जब हम लोग पूरा टॉपिक कर लेंगे और केंद्रीय प्रवृत्ति के मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आएंगे तो हम लोग सबसे पहले पूरे टॉपिक वाई टॉपिक चल रहे हैं कि पहले हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा समांतर माध्य के कुछ एम किए उसके बाद हम लोगों ने बहु माध्यिका पढ़ी मीडियन तो मीडियन के एम किए और आज हम लोगों ने बहुलक पढ़ा और बहुलक के एम किए तो अगली क्लास में, लो अगली क्लास में हम लोग करेंगे विभाजन मूल उसके अगली क्लास में करेंगे हम लोग गुणोत्तर मार्द उसके अगली क्लास में करेंगे हम लोग को हरात्मक तो इस प्रकार से हम लोग पूरे टॉपिक को वन बाई वन क्लियर करेंगे और उनकी एम सी क्यू भी साथ में करते चलेंगे और जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे कि आप लोगों की तैयारी जो है वो और अच्छी हो सके तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जी जरूर मोटिवेट होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग